सो अभी ये क्लॉक की पीछे वाली बाजू है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको रिमूव कैसा करते हैं। इसका जो कवर है इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है देख लेते। देखो यहाँ पे प्रेस करना है तुमको, अंदर की तरफ प्रेस करना है आराम से। प्रेस करने के बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद तुमको जो करना है, अब ये जो डंडी दिख रही है पेंडुलम की, ये पेंडुलम को यहाँ लगाते हैं। इसको कैसा निकालना है मैं थोड़ा क्लोजअप कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसको पुश करना है तुमको उधर की साइड में, और बंद करना है फिर से वहाँ के साइड से। यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दो, यहाँ से प्रेस करना है, ठीक है, और फिर से सेट करो, सेट करना है, ठीक है। अब इसमें पेंडुलम कैसा लगाते हैं दिखाते हैं। इसको निकाला, इसको ऊपर की तरफ लिया पेंडुलम, इसको, ये तुम्हारा पेंडुलम है, इसके साथ में आएगा किट के साथ। इसको आपको डालना है, एक स्लॉट दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे डायरेक्शन देख के डालना है। इसको यहाँ पे अंदर सेट करना है, ठीक है। सेट करके नीचे की तरफ इसको ये करके छोड़ देना है, बस इतना ही है। तो ये नीचे की तरफ ये होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे ही रहेगा, और जब तुम्हारा कुकू जो भी करेगा ऑटोमेटिकली वो पेंडुलम मूवमेंट देगा। ये इतना चीज़ है। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कितने सेल लगेंगे और कितने सेल आपको कौन से चीज़ के लिए लगेंगे। तो सबसे पहला ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्पीकर के लिए सेल यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये दो सेल स्पीकर के लिए यूज़ हो गए। ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला चीज़ है, वो तुम्हारा क्लॉक के लिए सेल यूज़ होगा, क्लॉक का जो मोटर है उसके लिए। और नीचे वाला जो पार्ट है, ये सेल यूज़ होगा तुम्हारा जो पेंडुलम है, पेंडुलम का मूवमेंट जो देगा पेंडुलम, इसके लिए यूज़ देगा। ध्यान रहना चाहिए कि पेंडुलम को यहाँ पे फिट नहीं करना है, एक बार ये करके इसको लूज छोड़ देना है, तभी ये मूवमेंट देगा। इसको अगर तुम यहाँ पे लॉक कर दोगे तो मूवमेंट नहीं देगा, इसको लूज छोड़ देना है, ठीक है। तो आप समझ गए, सेल का डायरेक्शन प्लस माइनस देख के डालना है, ठीक है। डाल दो एक बार, ठीक है, ये हो गया। बेसिकली तीन ही बटन है, एक दो तीन। अब जो पहला वाला जो बटन है, इससे तुम्हारे घड़ी के लेग है ना, लेग, वो लेग घूमेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। इसको बैक साइड में देखो, हम लोग इसको रोटेशन कर रहे हो बटन को, तो ये इसे तुम टाइम सेट करते हो, ठीक है। और पीछे जाते हैं अभी फिर से बैक साइड में, दूसरा जो बटन है इसमें देख लेते एक बार। नीचे की साइड में जो बटन है, ये तुम्हारा वॉल्यूम सेट करने का बटन है। वॉल्यूम को कैसे सेट करते, वॉल्यूम को आवाज़ बढ़ेगा और नीचे करेंगे तो आवाज़ कम होगा। ये बेसिकली वॉल्यूम का बटन है, ये जो कुकू साउंड करता है उसके लिए ये बटन है, ठीक है। इसको कम कर देते हैं अभी के लिए। तो तीसरा जो बटन है, ये बटन टाइम सेट करने में यूज़ होगा, तो इसको खाली प्रेस करना होता है, इसको रोटेशन नहीं करना है, ये प्रेस करना होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसका टाइम को कैसे सेट करने में कैसा यूज़ होगा, ये देखते हैं। ये भी सबसे पहले सेल डाले, सेल डालने के बाद फ्रंट साइड में क्या टाइम दिखता है ये देखेंगे। फर्स्ट टाइम जब घड़ी लाओगे तो घड़ी में कोई भी टाइम होगा। अब इसमें बज रहे हैं 8, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नियर बाय जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है वो 9 है, 9 के पास लेके जाएंगे। 9 के पास लेके गए, अब इसमें कुकू की तरफ ध्यान दो, घड़ी में बज रहे 9 और कुकू क्या बीप देता है उसके ऊपर ध्यान दो। 1 2 दो बार, इसका मतलब यह है घड़ी में बज रहे हैं 9 और कुकू ने बीप दिया है 2। इसका साफ मतलब होता है कि कुकू का टाइम है 2 बजे और हमारा शो कर रहा है 9 बजे। तो अब हमको क्या करना है, हमको 2 बजे जो कुकू का टाइम है उसको 9 की तरफ लाना है। तो हम अभी क्या करेंगे, 2 कंसीडर करेंगे, कुकू ने 2 पे 2 बीप दिया इसलिए 2 बज रहे। अब 9 की तरफ लाने के लिए कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार जब हम पीछे बटन दबाएंगे तो कुकू और हमारा टाइम मैच होगा। तो हम पीछे 7 बार बटन दबाएंगे, पीछे की तरफ चलते, ये जो बटन है ऊपर वाला, इसको 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब 7 बार दबाने के बाद दोनों तरफ 9 9 बजे, कुकू का भी हमने 9 कर दिया और हमारा भी 9। अब बीप के ऊपर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब बराबर तुम्हारा घड़ी सिंक हो गया है, ठीक है।